नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों मेरा नाम है हेमंत बड़ोदे और जैसा कि आपको पता है कि नवंबर में जेल प्रहरी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसी को दृष्टिकोण में रखते हुए हमने जेल प्रहरी की कुछ सीरीज स्टार्ट की है, जिसके माध्यम से हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं आपको मध्य प्रदेश जीके पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आज हमने क्या किया है कि 2018 में जो जेल प्रहरी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो जीके और जीएस के क्वेश्चन आए हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चन को लिंक करके आपको एक ही जगह पर बहुत सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे। चीज़ें समझ में आ रही है? तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो 29 सितंबर 2018 को सुबह 9 बजे एमपी जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था और उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए। अब समझो कि जो जीएस है इसमें 20 क्वेश्चन का बजट होता है, इसमें मध्य प्रदेश के भी क्वेश्चन आएंगे, राष्ट्रीय भी आएंगे, इंटरनेशनल भी आएंगे, कुछ करेंट के क्वेश्चन भी आएंगे। तो करेंट के वो क्वेश्चन जो 2018 में चल रहे थे उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जो स्टैटिक क्वेश्चन है जो हमेशा बनते हैं उस वाले क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा। समझ में आ रहा है? जैसे देखो एक पहला क्वेश्चन आया है आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ बोलकर बताऊंगा और ऑप्शन में यहाँ पर लिख दूंगा और उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन भी बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा। चीज़ें समझ में आ रही है? जैसे देखें पहला क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष आपदा प्रबंधन संस्थान आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। इसके ऑप्शन थे दोस्त 1987, फिर था 1972, फिर 1956 और 1982। ठीक है, मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान, पहले समझ लो आपदा प्रबंधन संस्थान, ये आपदा क्या है, आपदा क्या है पहले इसको समझते हैं। आपदा का अर्थ ये होता है अचानक होने वाली वे घटना जिससे जान और माल की हानि होती उसे आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप आ जाना, जैसे बाढ़ आ जाना, जैसे चक्रवात आ जाना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपदा के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं को प्रबंध करने के लिए, इन्हीं से लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए हमने क्या बनाया? आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया। तो दोस्त याद रखना, मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई थी 1987 में। चीजें समझ में आ रही है? आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कब हुआ, इसकी स्थापना 1987 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है तो आप बताओगे भोपाल में। कहां पर है भाई? भोपाल में। चीजें समझ में आ रही है? चीजें समझ गए? चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या आया था समझ में आया, मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई, आप बताओगे 1987 में। आपदा क्या होता है ये समझ में आया, और आपदा प्रबंधन क्या है, सीधी सी बात है, आपदा को कम करने और साथ ही में आपदा से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए उनके लिए जो हम प्रबंध करते हैं उसी को कहेंगे क्या, आपदा प्रबंधन। चीजें समझ में आ रही है? देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था दोस्त, मध्य प्रदेश में उस शहर का नाम बताएं जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह होता है। ध्रुपद समारोह किस, कहां पर होता है, किस शहर में होता है मध्य प्रदेश में। इसके ऑप्शन थे उज्जैन, दूसरा ऑप्शन था भोपाल, तीसरा ऑप्शन था जबलपुर और चौथा ऑप्शन था इंदौर। ठीक है, ध्रुपद समारोह कहां होता है, तो इसका आंसर था दोस्त भोपाल। क्या था? भोपाल। अच्छा देखो, अभी मैं आपको यहां पर चार नाम लिखे और चारों के बारे में एक एक विशेषता तो मैं बता ही देता हूं। देखो जो उज्जैन है, उज्जैन आपको पता है, उज्जैन सर्वाधिक फेमस इसलिए क्योंकि यहां पर एक मंदिर है, कौन सा, महाकालेश्वर मंदिर। कौन से भगवान है यहां पर भाई? यहां पर है शिव भगवान। ठीक है, दूसरी चीज देखो, पिछले बार पटवारी में क्वेश्चन आ गया था जो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है इसका मुख किस दिशा में, तो याद रखना दक्षिण मुखी है। कैसे है? दक्षिण मुखी।
जो महाकालेश्वर मंदिर है ये कैसा है, पहले तो बताओ किस भगवान का, तो आप बोलोगे शिव भगवान का है, ठीक है। कैसा है तो दक्षिण मुखी, मतलब जो महाकालेश्वर मंदिर है इसका मुख किस दिशा में होगा, तो दक्षिण दिशा में। दूसरी चीज क्वेश्चन आ जाता है, उज्जैन किस नदी के किनारे, तो आप बताओगे क्षिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे भाई, क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा। उज्जैन किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे है, याद रखना, ठीक है। उज्जैन से क्वेश्चन आ जाता है भाई भर्तहरि की गुफा कहाँ है, भर्तहरि की गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो आप बताओगे उज्जैन में। चीजें समझ में आ रही है, उज्जैन से क्या पढ़ा आपने, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ होगा भाई, ये होगा उज्जैन में। कैसा, किस दिशा में है इसका मुख, तो आप बोलोगे दक्षिण मुखी है। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, आप बताओगे उज्जैन। समझ में आ रहा है, भर्तहरि की गुफा मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो आप बताओ कि उज्जैन। अच्छा देखो, क्या आपको पता है उज्जैन एक संभाग है, उज्जैन संभाग में 7 जिले आते हैं। उज्जैन संभाग में कौन, कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगली चीज समझो, ये क्षिप्रा किस नदी की सहायक नदी है, तो आप बताओगे ये चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी भाई, चंबल की सहायक नदी है। चीजें समझ में आ रही है। अच्छा क्षिप्रा की कोई सहायक नदी है क्या, तो क्षिप्रा की एक सहायक नदी खान नदी है। कौन सी, खान नदी। चीजें समझ में आ रही है, ठीक। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी, आप बताओगे चंबल। अच्छा चंबल नदी से याद रखना, जो चंबल नदी है दोस्त, ये जाना पावा की पहाड़ी से निकलती है। जाना पावा की पहाड़ी, ये जाना पावा कहाँ है, तो आप बताओगे ये जो जाना पावा की पहाड़ी है इंदौर में है। जाना पावा की पहाड़ी कहाँ है भाई, इंदौर। समझ में आ रहा है, इंदौर किस नदी के किनारे क्वेश्चन आ गया, आप बताओगे खान नदी के किनारे। किस नदी के किनारे भाई इंदौर, खान नदी के किनारे। अब चंबल नदी के बारे में थोड़ी सी चीज समझ लो, चंबल नदी जो है ये कहां से निकलती है, आप बताओगे जाना पावा की पहाड़ी, कहां से, इंदौर से। जाना पावा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 854 मीटर। कितनी होगी भाई, 854 मीटर। चीजें समझ में आ रही है, देखो चंबल नदी यहाँ से निकलती, फिर मंदसौर नीमच होते हुए ये कहां जाती है, राजस्थान में। कहां जाती है भाई, मंदसौर फिर नीमच, फिर कहाँ जाएगी, राजस्थान, ठीक है। अब बहुत अच्छी चीजें समझना, ये मंदसौर और नीमच के पास क्या करते हैं, यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। ये जो गांधी सागर बांध है इसकी स्थापना 1960 में की गई थी भाई। गांधी सागर बांध कब बना, 1960 में। कहां पर है आप बताओगे, मंदसौर में, या फिर किन दो राज्यों के मध्य में है, तो आप बताओगे एमपी और राजस्थान। किन दो राज्यों के मध्य भाई, एमपी और राजस्थान। क्या चंबल नदी में और भी कोई बांध है, तो बिल्कुल है। पहला बांध क्या बताया मैंने, गांधी सागर बांध। दूसरा बांध का नाम है चित्तौड़ सागर बांध, और तीसरा है जवाहर सागर बांध। ये तीनों बांध किस नदी पर है, तो आप बताओगे चंबल नदी पर है। चीजें समझ में आ रही भाई, चंबल नदी पर कितने बांध है, तीन। सबसे पहला कौन सा, गांधी सागर बांध, फिर क्या बताया मैंने, चित्तौड़ सागर बांध, फिर मैंने क्या बताया, जवाहर सागर बांध। ये सभी किस में होंगे, चंबल नदी में होंगे। चीज समझ में आ रही। अच्छा गांधी सागर बांध से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं क्या बता रहा हूं, जो गांधी सागर बांध है दोस्त, ये मध्य प्रदेश का प्रथम बांध है, एमपी का प्रथम। क्या चीजें समझ में आ रही है, एमपी का प्रथम बांध कौन सा हो गया भाई, कौन सा हो गया, तो अब बताओगे गांधी सागर बांध। चीजें समझ में आई। अच्छा क्वेश्चन क्या था उसे तो नहीं भूले आप लोग, मैंने आपको बताया भाई ध्रुपद समारोह कहाँ पर आयोजित होता है, आप बोलोगे कहाँ पर आयोजित होता है, भोपाल में। लेकिन यहाँ पर हमने जो पहला ऑप्शन था उज्जैन था, तो उज्जैन से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बता दिए। क्या बताया जल्दी से देख लो एक बार, रिविजन करते हैं अपन। उज्जैन में मंदिर है, कौन सा मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, इसका मुख किस दिशा में होगा, तो दक्षिण दिशा में, इस वजह से इसे क्या बोल देंगे, दक्षिण मुखी महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक है। कौन सा भगवान है, शिव भगवान है यहां पर, ठीक है। अच्छा उज्जैन संभाग है क्या, बिल्कुल है। कितने जिले आते हैं इसके अंतर्गत भाई, आप बोलोगे 7 जिले आते हैं, ठीक है।
उज्जैन किस नदी के किनारे? आप बताओगे छिप्रा नदी के किनारे। चीजें समझ में आ रही है? अच्छा, छिप्रा किसी की सहायक नदी है क्या? बिल्कुल, किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। अच्छा, चंबल नदी की सहायक नदी है, तो ये भी समझो अगर चंबल नदी है तो इसका उद्गम कहीं ना कहीं से तो होगा ना। ये कहां से होगा भाई? जाना पावा की पहाड़ी। अब ये जाना पावा की पहाड़ी कहां है? ये इंदौर में है। कहां पर होगी दोस्त? इंदौर में। और इंदौर जो है ये खान नदी के किनारे है। अब अगली चीज अपन ने देखी, जो जाना पावा है इसकी टोटल ऊंचाई कितनी होगी भाई? 854 मीटर। कितनी होगी? 854 मीटर। अब अगली चीज समझ लो कि चंबल मंदसौर नीमच होते हुए राजस्थान में जाएगी। क्या चंबल नदी पर कुछ बांध है? बिल्कुल है। कितने बांध है? तो आपने बताया कि तीन बांध है। पहला बांध कौन सा? गांधी सागर बांध। कब बना? 1960 में बना। कहां पर है? मंदसौर में है। किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप बताओगे मध्य प्रदेश और राजस्थान की। क्या चंबल नदी पर गांधी सागर के अलावा और भी बांध है? तो आप बताओगे बिल्कुल है। कौन कौन सा? चित्तौड़ सागर बांध और जवाहर सागर बांध। चीजें समझ में आई? अच्छा, चंबल नदी से और कोई क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आएगा। चलो आगे समझना, जो चंबल नदी है दोस्त ये मध्य प्रदेश एमपी और राजस्थान की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन से जिलों, कौन कौन से जिलों के साथ के किनारों से बहती है और राजस्थान के, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच से बहेगी यानी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं? तो यहां पर आता है आपका मुरैना, मुरैना, ठीक है। इधर आता है श्योपुर, श्योपुर मुरैना और भिंड, ठीक है। ये तीन जिलों से एकदम ऐसे सट कर चलती है, इस साइड राजस्थान आएगा, इधर एमपी, और इसकी सीमा से बहते हुए चलती है, ठीक है। कौन सी नदी? चंबल नदी। और चंबल नदी याद रखना दोस्त, चंबल नदी जो है ये क्या करती है कि ये बीहड़ों का निर्माण करती है मुरैना में। सबसे ज्यादा कहां पर बीहड़ों का निर्माण होता है? तो आप बताओगे मुरैना से, मुरैना में, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, मैं क्या बता रहा हूं चंबल नदी के बारे में समझना। जो चंबल नदी है ये अवनलिका, अवनलिका अपरदन, अवनलिका अपरदन का उदाहरण है। अवनलिका अपरदन का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी नदी जो मिट्टी का अपरदन करे, मिट्टी को काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए और जिस स्थान पर काटा है वहां पर बहुत सारे खड्डों का निर्माण कर दे, तो वैसी नदी को हम अवनलिका अपरदन नदी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो चंबल नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो आप बताओगे अवनलिका अपरदन का उदाहरण है। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, समझ गए इतनी चीज। और जो चंबल नदी है ये किसकी सहायक नदी? तो आप बताओगे यमुना की सहायक। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आप बताओगे चंबल नदी और यमुना किसकी सहायक नदी है? यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है भाई? गंगा की। समझना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल। क्या इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो हम दोस्त कुछ इस तरह से पढ़ने वाले हैं। चीजें समझ में आ रही है? अगर उज्जैन आ रहा है तो उज्जैन से मैं क्या क्या पढ़ा सकता हूँ आपको, और उज्जैन से जो चीजें आई उनसे क्या चीज कनेक्ट कर सकता हूँ, क्या चीज लिंक कर सकता हूँ, और ऐसे ही आपको पढ़ना भी है। जब तक जीएस आप कुछ इस तरह से नहीं पढ़ोगे, इस तरह से नॉलेज गेन नहीं करोगे, तब तक आपका जीएस कभी अच्छा नहीं हो सकता। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बढ़िया इसके लिए कॉपी मेंटेन करें, और जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से आप इसे लिख भी लीजिए, ठीक है, ताकि कभी आप वापस से देखो तो आप पढ़ पाओ। चीजें समझ में आ रही है, ठीक। तो उज्जैन, उज्जैन किस नदी के किनारे हो गया भाई? छिप्रा नदी के किनारे। चलो दूसरा देखो भाई, भोपाल। अच्छा भोपाल, भोपाल इसकी स्थापना हमने 1972 में की थी क्या, है ना? और 1972 में की थी, हमने बताया था ना आपको कि जो 1972 में दो जिले बने थे, कौन कौन से? भोपाल और राजनांदगांव, ठीक है। अच्छा भोपाल की जब स्थापना हुई इससे पहले किसकी तहसील हुआ करती थी? सीहोर की। किसकी तहसील हुआ करती थी भाई? सीहोर की। चीजें समझ में आ रही है? जबलपुर संगमरमर के लिए फेमस है। संगमरमर, संगमरमर क्या होता है? ऐसा तो नहीं जब दो लोग साथ में मरते हैं तो उसे संगमरमर कहते हैं? बिल्कुल नहीं भैया। संगमरमर क्या है? एक चट्टान है। संगमरमर क्या है? चट्टान है। कैसी चट्टान है? तो आप बताओगे संगमरमर जो है ये रूपांतरित,
रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित या कैसी कायांतरित चट्टान है। समझ में आ रहा है संगमरमर क्या है? तो आप बोलोगे चट्टान है, कैसी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। रूपांतरित या कायांतरित का मतलब यह होता है कि प्राचीन समय में इसकी प्रकृति कुछ और रही थी, लेकिन पर्याप्त ताप और दाब की वजह से इसने अपनी प्रकृति परिवर्तित कर दी, तो उसको हम बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, जिसमें संगमरमर आ जाता है। ठीक है, या नमक, नमक भी एक प्रकार की चट्टान है, कैसी रूपांतरित या कायांतरित। कोयला, चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज समझना, मध्य प्रदेश में संगमरमर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जबलपुर। अच्छा, क्या जबलपुर के अलावा भारत में, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, जबलपुर के अलावा भारत में इससे अच्छी कोटि के संगमरमर कहीं मिलते? तो बिल्कुल मिलते, ध्यान रखना, मकरान में। मकरान, मकरान कहाँ है? राजस्थान में। मकरान कहाँ है? राजस्थान में। चीजें याद रखना, यहाँ कैसे संगमरमर मिलते हैं? रंगीन, रंगीन संगमरमर मिलते हैं यहाँ पर। कैसे मिलते हैं? सफेद। चीजें समझ में आ रही है? मकरान, मकरान कहाँ पर मिलेगा भाई आपको? राजस्थान में। अच्छा, मकरान से एक चीज समझना, एक होता है मकरान तट। मकरान और मकरान तट में अंतर है। मकरान एक तट है, कहाँ पर? ये पाकिस्तान में। चीजें समझ रहे हो? मकरान तट कहाँ पर है? पाकिस्तान में। लेकिन मकरान कहाँ है? तो राजस्थान में। ये मकरान क्यों फेमस है? तो आप बताओगे संगमरमर के लिए। कैसे संगमरमर? तो रंगीन संगमरमर। चीजें समझ में आ रही है? लेकिन मकरान तट कहाँ है? तो आपको पाकिस्तान में मिलेगा। चीजें समझ में आ गई? चले इंदौर, इंदौर के बारे में कुछ चीजें अभी मैंने बता दी थी। इंदौर से याद रखना, कांच का मंदिर, कांच का मंदिर, कांच का मंदिर कहाँ है? तो आप बताओगे इंदौर में। चीजें समझ में आ गई? तो जितनी भी चीजें मैंने बताई भाई नोट करते चलना, ठीक है, मिटा दो इसको मैं। अच्छा, जो भी मैं बता रहा हूँ अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इस लेक्चर को आप 3 से 4 बार देखोगे, आपको चीजें वैसी याद हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि वापस से कभी उज्जैन आता है तो मैं उज्जैन के बारे में फिर से इतनी चीज रिवीजन करा दूंगा, भोपाल के बारे में रिवीजन करा दूंगा। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, जब भी इनका नाम आएगा मैं वापस से चीजें रिवीजन कराते चलूंगा। तो आप लोगों ने अगर नवंबर तक मेरे इस तरह के लेक्चर पूरे भी देख लिए तो आपको चीजें वैसी याद हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। वन्य जीव रिजर्व बोल लो, या इसी को बोल सकते हैं प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, जिसने क्या किया? जिसने शुभंकर प्राप्त किया, शुभंकर, शुभंकर प्राप्त किया। क्वेश्चन क्या समझ में आया? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव या वन्य जीव रिजर्व का नाम बताना जिसने अपना आधिकारिक शुभंकर प्राप्त किया है। ऑप्शन लिखो इसके मैं, चलो ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है रणथंबोर, रणथंबोर भाई। इसका दूसरा ऑप्शन है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका तीसरा ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब मैं शॉर्ट में लिख दूं, ठीक है। चौथा देखो कौन सा है, चौथा है सरिस्का, सरिस्का। चलो इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी विशेषता देख ले भाई। रणथंबोर पहले तो देख लो कहां पर, ये समझो तो आपको पता होना चाहिए कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है, तो राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। जिम कार्बेट कहां है? तो ये है आपका यूके, यूके मतलब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं भाई, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना। कान्हा किस लिए? मतलब एमपी, ठीक है। और सरिस्का ये भी कहां का है? तो राजस्थान का। चीजें समझ में आ गई? रणथंबोर कहां पर है? राजस्थान में। अच्छा राजस्थान में और कोई है? बिल्कुल है, जैसे कोयला देव, कोयला देव, ठीक है। फिर भरतपुर, भरतपुर कोयला देव पक्षी अभ्यारण्य, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरिस्का तो हो गया, रणथंबोर हो गया, ये सब कहां पर है? तो राजस्थान में। चीजें समझ में आ गई? अब बात करते हैं चलो जिम कार्बेट की, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो जिम कार्बेट के बारे में पूरी चीजें बताता हूँ, ठीक, ये मिटा रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। किसकी बात करता हूँ मैं? जिम कार्बेट की, जिम कार्बेट।
जिम कार्बेट के बारे में बहुत ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। जिम कार्बेट से पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जिम कार्बेट, देखो क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बताओगे जिम कार्बेट। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया स्थापना कब हुई, तो आप बताओगे 1935 में, है ना। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है भाई, 1935 में, 1935। क्या इसका कोई पुराना नाम था? बिल्कुल, इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। पुराना नाम क्या होगा भाई, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क इसलिए रखा गया क्योंकि हेली एक व्यक्ति का नाम है और उसी ने जिम कार्बेट की स्थापना की थी, इस वजह से इसका नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल है, समझना, ये करेंट का भी क्वेश्चन है। भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके निगरानी के लिए सीआरपीएफ सेना को लगाया गया है, तो आप बताओगे जिम कार्बेट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है भाई जिसकी सीमा की निगरानी के लिए सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया है, तो आप बताओगे जिम कार्बेट। चीजें समझ में आ रही। पांचवा कोई क्वेश्चन आ सकता है, पांचवा क्वेश्चन समझो क्या है, ये भी निगरानी। अब ये क्या है कि निगरानी, हाथी। क्वेश्चन समझना, भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां के हाथियों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, किसका, ड्रोन का, आप बताओगे जिम कार्बेट। समझ में आ रहा है, भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसके हाथियों के निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, तो आप बताओगे जिम कार्बेट। समझ में आ रहा है, और कोई क्वेश्चन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। एक क्वेश्चन समझो, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी निकलती है, आप बताओगे कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से रामगंगा नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी, रामगंगा। तो जिम कार्बेट के बारे में थोड़ा बहुत जाने भाई आप लोग, ठीक है। और अगली चीज और समझो, जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट है। टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब कि देखो, अब ये टाइगर प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चीज समझ लो भाई। टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक, देखो बात क्या है, विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, तो बताओगे आप लोग 1972 में। विश्व में कब आया, 1972। भारत में 1972 में कुछ हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया भाई। इंदिरा गांधी की सरकार है, इन्होंने क्या लिया, लेकर आए 1972 में एक अधिनियम जिसको बोलेंगे हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लेके आ गए। समझ में आया। इसी के जस्ट एक साल बाद 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हो गई भाई, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई। ठीक है, भारत में अब देखो टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हो रही है, तो समझना कि इस समय इंदिरा गांधी की सरकार है, मतलब प्रधानमंत्री कौन होंगे, इंदिरा गांधी होंगी। लेकिन भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट लेकर आए थे, एक व्यक्ति है जिसका नाम है कैलाश सांखिला। ठीक है, कैलाश सांखिला के निर्देशन में ही भारत में क्या हुआ था, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, और इसलिए कैलाश सांखिला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। समझ में आया, भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो आप बताओगे कैलाश सांखिला है। चीजें समझ में आ गई। तो बताओ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में आया। चीजें समझ में आ रही है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में आया। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कैलाश सांखिला को कहते हैं। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, तो आप बताओगे जिम कार्बेट। समझ में आया। तो जिम कार्बेट से अपन ने क्या क्या पढ़ा भाई, जिम कार्बेट पहला क्या, कहां पर स्थित है, आप बताओगे उत्तराखंड में स्थित है। समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्या है बताओ, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बताओगे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। चीजें समझ में आ रही। कब स्थापना हुई, 1935 में स्थापना हुई। क्वेश्चन आ गया कि
इसका प्राचीन नाम कुछ है क्या? तो बिल्कुल है, हेली नेशनल पार्क। हेली कौन है? तो इसकी संस्थापक है, इसकी स्थापना की थी हेली ने, ठीक है। और अगला और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इस ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी सीमा पर सीआरपीएफ के जवान इसकी तैनात कर इस आसपास लगे हुए, तो आप बताओगे सीआरपीएफ के जवान किस में? जिम कार्बेट में, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ गया कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ के हाथियों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, तो आपका आंसर आएगा क्या? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बताओ जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी निकलती है? क्या बताओगे आप? रामगंगा नदी निकलती है भाई। चीजें समझ में आ गई। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ? ध्यान रखना मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात करोगे तो ये आ जाएगा कान्हा किसलिए, अभी इसकी चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई? जिम कार्बेट, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? तो इसके बारे में मैंने बताया कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है? 1973 में। और मध्य प्रदेश में कब आता है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो 1974 बताओगे आप। समझ में आया, ठीक है। अच्छा ये चीज भी समझ लो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में, ठीक है। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखिला को। क्या इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, तो जिम कार्बेट से आप इतनी चीज समझे, मिटा दो इतनी चीजें मैं, ठीक है भाई। इन सबको बहुत अच्छे से कॉपी में लिख लिया करो आप लोग, ठीक है। चले अच्छा, अपना क्वेश्चन क्या है ये तो नहीं बोले आप लोग। क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भारत का जिसने अपना शुभंकर जारी किया, तो दोस्त इसका आंसर है कान्हा किसली। आंसर क्या है? कान्हा किसली, ठीक है। सरिस्का कहाँ है? तो राजस्थान में। चलो मैं तो आप लोगों को थोड़ा कान्हा किसली के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये सब मिटा रहा हूँ भाई मैं। समझो कान्हा किसली के बारे में, कान्हा किसली, जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्त, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, क्या 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 है ये समझो। सबसे पहले किस राज्य में स्थित है? एमपी में। एमपी में कहा? तो अब बताओगे मंडला जिले में। किस जिले में भाई? मंडला जिले में, ठीक। दूसरी विशेषता क्या है? एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताओगे 940 वर्ग किलोमीटर। भाई कान्हा किसली का क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। चीजें समझ में आ रही है? और क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे? मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिस पर हवाई पट्टी है? हवाई पट्टी, ठीक है। कान्हा किसली में क्या है? हवाई पट्टी है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी है, अन्यथा कोई भी ऐसे राष्ट्रीय उद्यान नहीं है जिसमें हवाई पट्टी। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, इतनी चीज समझ में आई। चलो भाई इतनी सब विशेषता बता दी, इसकी स्थापना नहीं होगी क्या? बिल्कुल 1955। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1955 में। अच्छा पहले ये अभ्यारण हुआ करता था, फिर राष्ट्रीय उद्यान बना है। कितनी चीज समझ में आई? अब जिस नाम से क्वेश्चन आया, किस नाम से आया कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर जारी किया, तो याद रखना शुभंकर जारी करने वाला प्रथम, शुभंकर जारी करने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगर शुभंकर जारी किया तो इसके शुभंकर का नाम क्या है भाई? शुभंकर का नाम है भूर सिंह। भूर सिंह, भूर सिंह क्या है? तो बारह सिंगा। भाई बारह सिंगा क्यों रखा गया नाम? क्योंकि कान्हा किसली में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? बारह सिंगा। और किस प्रजाति के पाए जाते हैं? प्रजाति पूछ लिया तो ब्रेडरी प्रजाति के बारह सिंगा सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? तो आप बताओगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और बारह सिंगा क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी तो है भाई, ठीक है। बारह सिंगा क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। कितनी चीज समझ में आई? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश के किस जिले में? मंडला में। एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 940 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है।
समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का जहां पर हवाई पट्टी स्थापना कब हो गई भाई, 1955 में, ठीक है। शुभंकर जारी करने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान, शुभंकर का नाम क्या है, तो आप बताओगे भूरसिंह, ठीक है। कई बार छोटा सा क्वेश्चन आ गया भूरसिंह क्या है, तो आप बताओगे कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान ने अपना एक शुभंकर जारी किया है जिसका नाम भूरसिंह रखा गया, और भूरसिंह क्या है, तो आप बताओगे एक बारहसिंघा है, क्या है, एक बारहसिंघा के नाम पर इसका शुभंकर जारी किया गया है। और बारहसिंघा किस प्रजाति के पाए जाते हैं भाई कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान में, तो आप बताओगे ब्रेडरी प्रजाति के, और बारहसिंघा जो है राजकीय पशु है किसका, एमपी का। क्या इतनी चीज समझ में आई, आगे पढ़े अपन, मिटा दो इसको मैं। अच्छा, पूरे के पूरे क्वेश्चन तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा दोस्त जिससे आगे आने वाले एग्जामों में जिससे क्वेश्चन भी आए, और दूसरा करंट के क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि 2018 का करंट पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है। चीजें समझ में आ रही है, चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन है, सीधा सीधा सुनना, 18 का क्वेश्चन है करंट का। मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में कौन सी योजना शुरू की गई थी, सभी को पता है, आपको पता है ना कि आपके घर में कितनी बिजली चला लो 200 रुपए से अधिक आपको बिल नहीं आएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र से, जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं ना, तो इसके लिए एक योजना शुरू की गई थी संबल योजना, तो सभी को पता होगा, सब लोग लाभ ले रहे हो आप लोग इसका, संबल योजना। चीज समझ में रही है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1931 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को के प्रस्ताव को अपनाया, किसकी, मौलिक अधिकार। चलो समझो भाई इस चीज को भी। देखो सबसे पहले 1931 की बात कर रहे हैं, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। 1931 में कहीं ना कहीं इसका अधिवेशन हुआ होगा, और मौलिक अधिकार को अपनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समझना 1931 में INC का जो, अच्छा ऑप्शन भी बताऊंगे इसके, मैं ऑप्शन भी देख लो भाई, इसके ऑप्शन है, देखो पहला ऑप्शन है कलकत्ता, ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है इसका दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कराची वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान में, और चौथा है वर्धा, ठीक है। तो 1931 में किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई, तो आप बताओगे ये जो अधिवेशन हुआ था दोस्त, ये हुआ था कराची में, कहां पर हुआ था, कराची में, याद रखोगे, ठीक। और ऐसे ही कभी क्वेश्चन आ गया, अच्छा ये समझो पहले, तो मौलिक अधिकार ये किस देश से लिया गया, अगर ये क्वेश्चन आ गया, तो मौलिक अधिकार हमने लिए हैं USA से, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए भाई, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताते चलता हूं। सबसे पहले INC की बात कर ले, क्या INC का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी जो स्थापना है, स्थापना 1885 में हुई थी, कब हुई थी भाई, 1885 में हुई थी, ठीक है। इसकी प्रथम बैठक, क्वेश्चन आ गया प्रथम बैठक, तो आप बताओगे ग्वालियर भाई, ग्वालियर में नहीं हुई थी, पहले अच्छे से सुन लो, ग्वालियर टैंक मुंबई, कहां पर हुई थी, मुंबई में एक टैंक का नाम है ग्वालियर टैंक, ठीक है, एक जगह का नाम है, ठीक है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर मत समझ लेना, ठीक। तो प्रथम बैठक कब हुई थी, 1885 में, ग्वालियर टैंक मुंबई, और कब हुई थी, 1885 में ही हुई थी, ठीक है। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये क्वेश्चन आ गया, तो आप बताओगे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, कितने, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन आ गया कि INC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, INC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताओगे डब्ल्यू सी बनर्जी
डब्ल्यू सी का पूरा नाम होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे भाई इसके? प्रथम डब्ल्यू सी बनर्जी, समझ में आ रहा है? ठीक, अगला क्वेश्चन समझना, इसके महासचिव कौन थे? महासचिव ए ओ ह्यूम, कौन थे? ए ओ ह्यूम। ये 15 साल तक के रहे, 15 साल तक के मतलब 20 साल तक, 1885 से 1905 तक के महासचिव रहे थे, कौन? ए ओ ह्यूम। समझ में आ रहा है? इतनी चीज समझ में आई क्या? ठीक है, फिर कांग्रेस की बात आएगी कभी, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें कांग्रेस से संबंधित बताऊंगा, छोटा सा नहीं कांग्रेस, ठीक है। चले, मौलिक अधिकार किस देश से लिए? तो आप बताओगे यूएसए से लिए। क्या भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया? तो बिल्कुल, है ना। कितने मौलिक अधिकार है अगर ये क्वेश्चन आ गया तो? आप बताओगे टोटल 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 हुआ करते थे। चलो उसको भी चर्चा कर ही लेते हैं, ये मिटा दो मैं। आईएनसी का पूरा नाम क्या होगा भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना कब होगी? 1885 में। प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ग्वालियर टैंक मुंबई में। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी प्रथम, है ना। और महासचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम। एक क्वेश्चन याद ही रख लो, यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है कि 1885 में जब आईएनसी की स्थापना हुई, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना लॉर्ड डफरिन थे। अच्छा, जो आईएनसी है इसे लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज भी कहा जाता है। समझ में आ रहा क्वेश्चन अगर ये आ गया कि आईएनसी को किसकी दिमाग की उपज कहा जाता है, तो आप बताओगे लॉर्ड डफरिन कौन है भैया? ये ब्रिटेन के कौन है? वायसराय नहीं, क्या कहना चाहिए ने? गवर्नर जनरल, ठीक है, जो भारत में कार्यरत थे। चले आगे पढ़ते हैं अपन। मैं क्या बता रहा था आपको मौलिक अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स जिसको कहते हैं अपन, मौलिक अधिकार समझना। जो मौलिक अधिकार है दोस्त, ये मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है भाग तीन में। इसलिए भाग तीन को भारतीय संविधान का मेगना कार्टा कहते हैं, मेगना कार्टा। क्वेश्चन आ गया भाग तीन को किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे मेगना कार्टा, या फिर मेगना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, आप भाग तीन बताओगे, ठीक है। जो भाग तीन है समझना, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक के होता है, लेकिन जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार स्टार्ट होता है भाई आपके 14 से लेकर 32 तक, ठीक है, समझ में आ गया। भाग तीन 12 से लेकर 35 तक है, लेकिन मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 14 से लेकर 32 तक है। मैं कभी आपको संविधान बताऊंगा तो 12 में क्या है, 13 में क्या है, ये सब चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इतनी चीज समझ में आई। अब समझना जो मौलिक अधिकार है इनकी अगर संख्या की बात कर ली जाए तो 6 है। इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले इसकी संख्या 7 थी, पहले इसकी संख्या कितनी थी? 7, अब 6। इसका मतलब एक ना एक कोई अधिकार है जिसको हमें हटाना पड़ा, ठीक है। तो कौन सा अधिकार हमने हटा दिया? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया भाई, ठीक है। अच्छा, संपत्ति का अधिकार कब हटा दिया, तो आप बताओगे हमने इसके लिए 44वां संविधान संशोधन किया था 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन किया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जो संपत्ति का हमारा पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था इसे हमने अब हटा दिया। हटा के कहीं ना कहीं तो ले गया होगा, अब इसको हम 300 क में इसको शामिल कर दिया, और अब यह हमारा कैसा अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार हो चुका है, ठीक है। कैसा? कानूनी अधिकार हो चुका है। चीजें समझ में आ गया, ठीक है। किस आर्टिकल में संपत्ति का अधिकार, आप बताओगे 300 क में। पहले क्या हुआ करता था, तो हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब नहीं है। चीजें समझ में आ गई। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। इतनी चीज समझ में आ गई भाई आप लोगों को, कौन कौन से मौलिक अधिकार है, अपन सब संविधान की क्लास में डिस्कस करेंगे जब स्टार्ट करूंगा मैं। इतनी चीज समझ में आई क्या? चले आगे पढ़े, तो इसका आंसर क्या था? कराची कहाँ है अभी? पाकिस्तान में है। आईएनसी को जाने आप, थोड़ा बहुत मौलिक अधिकारों को जान रहे हो। आगे पढ़े अपन, बिल्कुल एक कॉपी बनाते चलो, और आप लोग नोट्स कुछ ऐसे बनाना कि सिर्फ आपके नोट्स आपको समझ में आए, ठीक है।
किसी और को समझ में नहीं आने चाहिए, ठीक है। और अगर नोट्स नहीं बना रहे तो वीडियो को 3-4 बार देखना, आपको चीजें वैसे याद हो जाएगी। और वैसे भी मैं इस तरह की चीजें हर एक लेक्चर में पढ़ाते जाऊंगा, कभी INC आया तो वापस इतनी चीजें बता दूंगा, आपको चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस समय का 2018 में, यह दिया गया था अंजलि इला मेनन को, अंजलि इला मीनन, ठीक है। चलो आपसे क्वेश्चन है, जो कालिदास है इनकी 3 पुस्तकों के नाम बताना है भैया, आपको 3 पुस्तकों के नाम बताना है कालिदास की, चीजें समझ में आ गया, ठीक है, ये बताएंगे आप लोग, ठीक। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई अपन। अच्छा एक चीज और समझ ही लो, जो कालिदास सम्मान है इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी, ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, कैसा है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार। लेकिन दूसरी चीज समझना, ये देता कौन है, तो MP सरकार देती है, MP सरकार देती है। इसके तहत देख लेना एक बार, लगभग 2.5 लाख रुपए की राशि है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लगभग 2.5 लाख की राशि देख लीजिएगा आप लोग। चले आगे देखते हैं, दिल्ली स्थित कमल मंदिर, कमल, अच्छा कमल मंदिर, मंदिर को हम लोटस टेम्पल भी कहते हैं, लोटस टेम्पल, दिल्ली स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? तो ध्यान रखना ये बहाई धर्म का है, किसका है भाई, बहाई धर्म, ठीक है। लोटस टेम्पल को कहां पर है, ये क्वेश्चन आ गया, तो दिल्ली में, कहां पर है भाई, दिल्ली में, चीजें समझ में आ गई। चलो आगे लोटस टेम्पल कहां है, दिल्ली में, किस धर्म से संबंधित है, तो बहाई धर्म से संबंधित है, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखो, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना, दुनिया का सबसे पुराना सेवाल जीवाश्म खोजा गया? तो दोस्त याद रखना, चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट में सबसे पुराना सेवाल खोजा गया है, पुराना सेवाल, पुराना सेवाल, पुराना सेवाल याद रखोगे, कहाँ खोजा गया है, चित्रकूट में, चित्रकूट कहाँ है, सतना, सतना, यहाँ पर सीमेंट उद्योग बहुत सारे हैं, ठीक है। चले अच्छा सेवाल, आपने कभी BGA का नाम सुना है? अच्छा सेवाल, पहले तो क्वेश्चन अगर आ गया आपको छोटा सा, सेवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या बताओगे आप लोग, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी क्या है, सेवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एक सेवाल होता है, अच्छा चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने कभी समुद्र का नाम सुना है, समुद्र, और समुद्र का पानी खारा होता है, ऐसा सुना है क्या आपने, खारा होता है पानी, समुद्र का पानी एक सवाल के कारण खारा होता है, उसका नाम बताना है आपको, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, एक सवाल के कारण है, ठीक है, इसका नाम होता है लेमेनेरिया, ठीक है। लेमेनेरिया नामक सवाल पाया जाता है कहां पर, समुद्र में, और इसी सवाल के द्वारा क्या होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और सवाल से पूछ लेता हूँ, जो अंतरिक्ष यात्री एक प्रकार का सवाल ले जाते हैं और ये भोजन के रूप में इसका उपयोग करते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री किस सवाल को अंतरिक्ष में ले जाते हैं अपने भोजन के रूप में? क्वेश्चन समझ में क्या है, इसका आंसर बताएंगे भाई आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और नहीं बता पाए तो अगले वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा, चीज समझ में आ गई। चले तो चित्रकूट में विश्व के सबसे पुराने सवाल की खोज हुई थी, सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, मैंने एक सवाल का नाम बताया आपको, क्या, लेमेनेरिया, ठीक है। लेमेनेरिया क्या है, ये समुद्रों में पाया जाता है और इसके इससे क्या होता है, खारापन, चीजें समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आप वैसे ही बता दोगे, किस राज्य सरकार द्वारा आनंद विभाग मतलब हैप्पीनेस मिनिस्ट्री, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट की शुरुआत की गई थी? तो जब इससे अभी वर्तमान में कौन है आपके, CM भाई शिवराज सिंह चौहान,
इनसे पहले कौन बन गए थे आपके, कमलनाथ जी। कमलनाथ जी से पहले जब शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने आनंद विभाग की स्थापना कर दी थी, ठीक है, और उसके पश्चात आपके कमलनाथ जी ने भी इसको कंटिन्यू रखा। तो याद रखना, ये कौन सा राज्य की बात कर रहा हूं मैं, एमपी की, ठीक है। चले आगे बढ़े अपन, एक क्वेश्चन एमपी से पूछो, क्वेश्चन क्या समझना, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन समझ में आया, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, भाई इसका आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन और कि 1947 के पश्चात जब भारत आजाद हो गया, मध्य प्रदेश कितने पार्ट में डिवाइड था। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और एक क्वेश्चन का आंसर और बताएं कि भोपाल किस पार्ट में शामिल था, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन क्या है, देखें, दीप से दीप जले ये एक दीप से दीप जले ये कविता है, ठीक है, एक रचना है। इसके रचयिता कौन है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भैया आपका भगवान दत्त शर्मा, ठीक है, भगवान हो सकते हैं क्या, भगवान ने तो पूरी सृष्टि की रचना कर दी भाई, तो दीप से दीप जले क्या है ना। दूसरा है माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है, भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा कहते हैं इनको, माखन लाल चतुर्वेदी जी को, इनका जन्म हुआ था बावई में, ठीक है। और एक व्यक्ति को जानते हो आप लोग, बरकतुल्ला, जो बीयू यूनिवर्सिटी है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी कहते हैं कि नहीं, जो बरकतुल्ला है और जो आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी है, इन्होंने अफगानिस्तान में जाके अपनी सरकार बना ली थी और बरकतुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया था, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी वही है। और इन्हीं के नाम पर एमसीयू यूनिवर्सिटी चलती है, एमसीयू माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, ठीक है। एमसीयू कब बनी थी, 1991 में, याद रखना। और बीयू कब बनी थी भाई, 1970 में, 1970 में बीयू की स्थापना हो गई थी। चले तीसरा ऑप्शन है राहत इंदौरी, राहत इंदौरी साहब को तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, इनका भी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है, सुना तो होगा आप लोगों ने, क्या था भाई वो, बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना, इनके वीडियो देखना, बहुत शानदार इन्होंने रचना की है। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। दीप से दीप जले किसकी रचना है, तो दोस्त याद रखना, दीप से दीप जले रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, ठीक है। चलो एक मिनट रुको भाई आप लोग, तो याद रखना, चलो माखनलाल चतुर्वेदी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, बावई, होशंगाबाद बावई से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किसके किनके साथ सरकार की सरकार का गठन कर लिया था भाई, तो आप बताओगे बरकतुल्ला जी के साथ, ठीक है, कहाँ पर, अफगानिस्तान में, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आ गया, ये बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई भाई, 1970 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आ गया, एमसीयू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, तो ये 1991 में, और दोनों का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताओगे दोनों का मुख्यालय भोपाल में, ठीक है। चीज़ें समझ गए, आगे पढ़े अपन। चलिए अब समझो, इनसे कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ, एमसीयू के बारे में जाने आप लोग, राहत इंदौरी, ये इंदौर के, ठीक है। चलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में थोड़ी सी चीज समझ लो भाई, अटल बिहारी वाजपेयी, मैं पूरा मिटा देता हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी को समझो आप लोग, अटल बिहारी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे या नहीं, ठीक है। 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ है, ग्वालियर में, जन्म कहाँ, कब हुआ, कहाँ हुआ भाई, ग्वालियर में हुआ, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी कुछ रचना है क्या, बिल्कुल है, जैसे मेरी 51
कविताएं, ठीक है, संसद की 3 दशक, ठीक है, राजनीति की रपटीली राह है, रपटीली राह है, ये इनकी कुछ मुख्य रचना है, याद रखना, मेरी 51 कविता, संसद के 3 दशक, राजनीति की रपटीली राह, ये सब किसने लिखी है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई, इनकी समाधि कहाँ है? समाधि दिल्ली में भाई इनकी। इनकी समाधि का नाम क्या है? सदैव अटल, सदैव अटल, याद रखोगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि का नाम क्या है? सदैव अटल। कहाँ है? तो दिल्ली में है। चीजें समझ में आ गई। अर्जुन, इनकी पत्रिका का नाम है, अर्जुन क्या है? इनकी पत्रिका का नाम है, याद रखोगे। 2015 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, भारत रत्न, ठीक है, पता है ना, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मदन मोहन मालवीय जी को मिला था, ठीक है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी को क्या मिला था? भारत रत्न। इतनी चीज समझे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद रखना भाई, क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से और क्या क्वेश्चन आएंगे समझो, क्वेश्चन आ जाएगा कि आपने कभी यूएनओ का नाम सुना है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के प्रथम पीएम। चीजें समझ में आ रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, ठीक है। भाषण से कुछ क्वेश्चन समझ लो। यूएनओ में सबसे प्रथम बार भाषण किसने दिया था? तो इनका नाम है विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है। यूएनओ में सबसे पहले भाषण किसने दिया था? तो विजया लक्ष्मी पंडित। इन्होंने कैसे दिया था? तो आप बताओगे इंग्लिश में दिया था। किसमें दिया था? इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में सबसे पहले किसने दिया? तो आप बताओगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा कि यूएनओ में हिंदी में सबसे लंबा भाषण किसने दिया? तो वर्तमान में जो भारत के पीएम है, श्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। समझ में आया? तो ये भाषण से 3 क्वेश्चन समझ में आए क्या आप लोगों को? अच्छा, इन्होंने कब दिया था? 1954 में, 1954 में। समझ में आया क्या? 1954 में दिया था। तो यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम कौन हो जाएंगे आपके? अटल भाषण किसने दिया था? तो आप बताओगे विजया लक्ष्मी पंडित जी ने, कब? 1954 में। और यूएनओ में सबसे लंबा भाषण देने वाले कौन थे? तो आप बताओगे नरेंद्र मोदी जी। इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। अच्छा समझना, 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई। तो 1978 में ये विदेश मंत्री भी थे, विदेश मंत्री, याद रखना भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इतनी चीजें समझ में आई? क्या क्या बताया मैंने आप लोगों को? अटल बिहारी वाजपेयी, मृत्यु कब हुई? 16 अगस्त 2018 को, ठीक है। 1924 में जन्म हुआ था इनका, 1924 में, कहां पर? ग्वालियर में, ठीक है। समाधि कहां है इनकी? दिल्ली में। समाधि का नाम क्या होगा? सदैव अटल। समझ में आया? जन्म कहां हुआ? ग्वालियर में। रचना कौन सी है? मैंने मुख्य मुख्य 3 बताई, मेरी 51 कविताएं, संसद के 3 दशक, राजनीति की रपटीली राह है। और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक है। और किसके साथ? तो मदन मोहन मालवीय जी के साथ भी। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी और इन्हीं के समय में विदेश मंत्री भी रहे। चीजें समझ में आया? अर्जुन इनकी एक पत्रिका है। चले, तो मोरारजी देसाई से क्या इतनी चीजें समझ में आई? सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से इतनी चीजें समझ में आ रही है? बिटा दो इसको मैं, ठीक। हर एक चीज लिखते चलो भाई आप लोग, और रोज इनका रिविजन कीजिए, आपको चीजें ऐसी याद रहेंगी। अच्छा, और जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, आप जेल प्रहरी ही नहीं, मध्य प्रदेश के जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, आप उनकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और बहुत बड़ी बात नहीं है जीएस याद करना, कंटिन्यू मेहनत करो, जीएस वैसे याद हो जाएगा। चले, अगला क्वेश्चन देखें अपन।
भारत में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे कहा जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं भाई? श्रीधरन, याद रखना। भारत में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? श्रीधरन। देखो मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको याद रखो भाई। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन है? श्रीधरन। ठीक है, देखो क्या क्या बता रहा हूँ। वाटर मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र प्रसाद मत बोल देना, राजेंद्र प्रसाद अलग है, मतलब पानी वाले बाबा बोलते हैं इनको, राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, वाटर मैन ऑफ इंडिया मतलब भारत में पानी बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए इन्होंने। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, अभी बताया मैंने टाइगर मैन ऑफ इंडिया ये कौन है भाई? अभी बताया था मैंने कैलाश संखेला है ना। अगला क्वेश्चन क्या जाएगा आपको? बर्ड मैन ऑफ इंडिया इनका नाम हो जाएगा राजेंद्र सिंह हो गए, कैलाश संखेला, बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। चीज़ें समझ में आई, और भी बहुत सारे, लेकिन अभी मुख्य मुख्य तीन को याद रखो, समय ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन हो गए? राजेंद्र सिंह। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन हो गए? कैलाश संखेला। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन हो गए? आपके डॉक्टर सलीम अली। और अभी आपको क्वेश्चन आ गया था मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन थे भाई? मैंने अभी बताया के श्रीधरन। इतनी चीज़ समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन लिख लो, आसान से, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। बेटा दे इनको। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलो बाकी क्वेश्चन हम कल देखेंगे, समय बहुत ज़्यादा हो गया, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। बाकी अगर आपको इस तरह से पढ़ना अच्छा लग रहा है या फिर चीज़ें समझ में आ रही, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। और ऐसा लग रहा है कि इस तरह के लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करें तो आप बताइएगा, तभी हम आगे करेंगे, अन्यथा हम मध्य प्रदेश तो पढ़ा ही रहे उसी को पढ़ाएंगे, इस तरह के लेक्चर हम बंद कर देंगे। चीज़ें समझ में आ रही है? अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।